विशेष अवसर पर और विशेष तिथियों में किसी विशेष अनुष्ठान के पूर्व गुरु पूजन का विशेष रूप से पूजन करने का हमारे यहाँ एक शिष्ट व्यवहार। गुरु के पूजन के समय हम लोग बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अखंड मंडलाकार और सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है, हम उसी की उपासना इन विशेष अवसरों के ऊपर गुरु के रूप में करते हैं। उस परमात्मा ही सबका गुरु है, पूर्वे शाम गुरु कालेन अनवच्छेदात् जिसमें प्रमाण है। तो परमात्मा ही गुरु है और वो सर्वत्र है, जहाँ पर भी आप उसकी शक्ति और उसका ज्ञान उसकी कृपा अनुभव करना चाहे कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं सर्वत्र है, लेकिन अब हम किसी एक विग्रह विशेष में अगर उसका अनुभव करते हैं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सर्वव्यापक है त्रिभुवाचको शब्दार्थ निर्वृत्ति विग्रह तयोरेकं परब्रह्मा कृष्ण इत्यपि हे परब्रह्म परमात्मा ही कृष्ण। लेकिन अब हम उनको रमण बिहारी के रूप में पूछते हैं, हमको मालूम है कि मूर्ति पत्थर की है, लेकिन अगर कोई कह दे तुम्हारे रमण बिहारी पत्थर के, मैं उसके सिर पे पत्थर मार दूंगा, मिले साक्षात। तो हम विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते कह सकते हैं भले ये विग्रह उनका है, लेकिन भक्त की दृष्टि से हमको साक्षात रमण बिहारी दिखाई पड़ते हैं और हमारी अनुभूतियाँ हैं। अब हम साइंस से उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, चाहे जितना हम पाएंगे, वो अनुभूति जन्य है। तो वो अनुभूतियाँ हमको अनुभूत होती हैं अपनी भावना से कह दो या उनकी कृपा से। उसी तरह से अब ये भले हाड़ मांस का पुतला है, पंच तत्व का पुतला है, अगर हमने इसमें व्याप्तम ये चराचरण तो है ही है, सब चीज़ें मुझे जो तो आयमान भूतान जाए थे तो सब कुछ है, लेकिन अगर हम इनका गुरु रूप में उपासना कर रहे हैं तो भले ही पंच तत्व के बने हुए शरीर हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि के अहंकार का संघात जीव सहित वो सब ठीक है, लेकिन अगर हम इनको ब्रह्म रूप में देखेंगे तो हमको गुरु रूप में देखेंगे साक्षात परब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा ज्ञान रूप में इनके माध्यम से हमारे ऊपर बरसेगी, हमको अनुभव। तो ये शिष्य की महिमा है कि गुरु को किस दृष्टि से देखता है। कोई किसी और तरह से देखेगा, कोई किसी और तरह देखेगा। अनुभूति सजय अंग्रेजी में कहें सब्जेक्टिव होती है, आत्मसंवेद। जितने उच्च दृष्टि से आप इस विग्रह को देखेंगे, उसको देखो, इसको देखो, एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। वो गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। तो हम इसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं सुविधा के लिए, और कोई बात नहीं, यहाँ भी कह सकते थे, यहाँ सुविधा है, प्रश्न कह रहा हूँ। तो हमारा कितनी श्रद्धा है, गुरु तुम्हारा कितना महान है, महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा कितनी महान है वो आवश्यक है। हम लोगों ने देखा है कि द्रोणाचार्य जी पूरा परिश्रम करके भी कौरवों में सबको वो नहीं दे पाए, पांडवों में भी सबको नहीं दे पाए, अरे अपना अत्यंत अत्यंत प्रिय शिष्य अर्जुन उसको वो विद्या नहीं दे पाए जो एकलव्य ने केवल श्रद्धा के माध्यम से गुरु के प्रति समर्पण बुद्धि से प्राप्त कर। तो इसलिए अगर कभी विद्युत गुरु में कभी शरीर बुद्धि करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेटा हम शरीर हैं,
हम में कुछ दोष भी हो सकते हैं, आप हमारे दोषों को मत देखना, क्यों जो गुरु का दोष अवलोकन करेगा, दोषों को अवलोकन, उसका अंतःकरण दोषमय हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु ने कहा बेटा ये दसमाकम तो सत्य उपास्यानि, जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उनको दर्शन करो और उनको अपने व्यवहार में लाने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम्हारे चिंतन के अनुसार तुम्हारा अंतःकरण बनेगा, तुम्हारे अंतःकरण के अनुसार तुम्हारी वृत्ति बनेगी, वृत्ति के अनुसार तुम्हारी क्रिया होगी, क्रिया के अनुसार जीवन बनेगा और जीवन बने पर तुम्हारे संस्कार बनेंगे। तो इसलिए सदैव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु वो सारा ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम अपने आप में सचेत हैं कि तुम भले हमको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और जो मानते रहो, हम अपने को जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन वो आपका विषय नहीं है, वो हमारा अपना विषय है। हम अपने को सावधान रखते हैं, ये हमारा भी कर्तव्य अवसर पर, और इसीलिए हम भी अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं। क्या आवश्यकता थी हमारे जैसे कितने घंटों घंटों इंतजार करते हैं हमारे देखिए यहाँ थोड़े थोड़े इसलिए आए कि कहीं हम भ्रांत न हो जाएं, अपने को ब्रह्म मानने लग जाएं, अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश। तुम्हारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये मैं प्रमाण देता हूँ। तुम्हारा कल्याण इस चिंतन से ही होगा, और हम अपने लिए सतर्क रहने के लिए कहीं ना कहीं एक कहीं हमने कभी चर्चा चलाई थी किसी एक के प्रति श्रद्धा अवश्य रखो जीवन में, तो कभी पतन होने का अवसर ही नहीं आएगा। और उसको अंगीकार किया तो हमारी महिमा नहीं है उनके, नहीं वो तो तत्व तो वही अव्याप्तम ये नचराचर। तो हम अगर आज इतनी यहाँ पूजा कर रहे हैं तो इस चमड़े की पूजा थोड़ा कर रहे हो तुम लोग, चमड़े का पूजा करो, छुआ भी नहीं जाता है, हाथ धोया जाता है उसको स्पर्श करके, लेकिन इसलिए कि हम व्याप्तम ये नचराचरम जो परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका पूजन करते हैं अपने में शिष्यत्व के आधार। गुरु पूजन आत्म कल्याण के लिए है, गुरु की कृपा की अनुभूति करने के लिए है। गुरु से जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और अपनी कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए, विशेष रूप से इन दिनों में जो प्रत्येक और नित्य गुरु तो सदा सर्वकाल में वर्तनीय है, आज विशेष रूप से और वैसे सामान्य रूप से नित्य वंदन करेंगे। गुरु तत्व तो आपका सदैव संरक्षण देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, और चूंकि वो सर्वत्र व्याप्त है तो कभी झील में आपको मिल जाएगा और कभी मछली में मिल जाएगा और कभी वेश्या में भी मिल जाएगा और कभी भी मिल जाएगा। परमात्मा सबका मदद करें, पर जितने भी हमारे परिवार के और भी सब बहत्तर परिवार है सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री।